है एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम एनटीएससी के बारे में एक बार फिर से बात करने वाले हैं। फिर से इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी अप्रैल एंड में एनटीएससी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैंने वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी जो मुझे लगता था कि आपको जानना चाहिए अगर आप एनटीएससी को लेकर के थोड़े से इंटरेस्टेड हैं। लेकिन उस एपिसोड के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स मिले जो एनटीएससी के रिगार्डिंग थे, जो उनके क्वेश्चंस थे, उनके डाउट्स थे या क्यूरीज थी। तो मुझे लगा कि हमें दोबारा से एक बार एनटीएससी के बारे में डिस्कस करना चाहिए। उस वक्त हमने सिलेबस को डिस्कस नहीं किया था, आज हम सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो उस वक्त कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे, वो सब कुछ भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि हम क्लियर हो पाएं कि एनटीएससी क्या है, क्यों हमें इसको क्रैक करना है, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, यानी कि हम स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा एनटीएससी है क्या, एनटीएससी कौन दे सकता है, उसका पैटर्न क्या रहेगा और उसकी स्ट्रेटजी में इंक्लूड रहेगा कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं, क्या बिना कोचिंग के भी एनटीएससी हो सकता है, वो भी हम बात करने वाले हैं। बात करने वाले हैं लास्ट ईयर की, जो हमारे कट ऑफ की। कट ऑफ मतलब थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या हम अगर इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो क्या हो जाएगा ये। तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है। नेशनल लेवल का एग्जाम है, इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। घर बैठ करके आप तैयारी करके एग्जाम दे सकते हो और इस बार आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है क्योंकि सभी घर से सेल्फ स्टडी करने वाले हैं। साथ साथ हम सिलेबस में बात करेंगे, टॉपिक वाइज मैं टोटल आपको टॉपिक देने वाला हूँ। लास्ट 10 इयर्स के जो एग्जाम्स हुए उसके बेस पर कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक है जो 9th-10th के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से टॉपिक है जो हमें 6th-7th-8th में से करने, यानी कि ऑल अबाउट द एनटीएससी इन्फॉर्मेशन वो आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम की कि एनटीएससी है क्या। उससे पहले मैंने जो कमेंट्स पढ़े थे, आज मॉर्निंग में ही मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं चलिए वीडियो में शेयर करते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे जो कमेंट्स थे उसमें से कुछ कमेंट्स थे कि सर बोर्ड एग्जाम के साथ एनटीएससी कैसे करें, और एनटीएससी क्या सर मैंडेटरी है, ये भी था, यानी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन कब तक अवॉइड करोगे आप? ये जो लाइफ है ना, उसमें आप अवॉइड कितनी की चीज़ों को करोगे? आपके ड्रीम्स होंगे, आपके सपने होंगे, अगर आपको ड्रीम्स को चेज करना है ना, आपको एग्जाम्स है उनको क्रैक करना है, उनसे लड़ना सीखना है, भागना नहीं है हमें। आपके सपने हैं उनके लिए आपको लड़ना है, आपको अपनों के लिए लड़ना है, अपनों के जो सपने हैं उनके लिए लड़ना है। ये जो आपके घर पे बैठे बैठे होटल की तरह सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है ना, ये चाहिए आपको, वो चाहिए, और वो तुरंत आपको मिल जाता है। वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि घर वालों को लगता है कि आप अब 10th class में होने वाले हो या 10th class में हो चुके हो, बस कुछ ही दिनों की बात है, आप उनके सारे सपने पूरे कर दोगे। ये जो एक्सक्यूज हम कई बार देते हैं ना, वो एक्सक्यूज का मतलब ये कि हम डर रहे हैं, हम भाग रहे हैं एग्जाम से, स्टडी से भाग रहे हैं। यहाँ पे पेरेंट्स की गलती नहीं है, वो अपनी तरफ से आपको सब कुछ दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश करें। हर कोई चाहता है उनका बच्चा अच्छे से तैयारी करे, कहाँ कमी रह गई, इसका मतलब हम गलत ट्रैक के ऊपर हैं। ये एक्सक्यूज मत सोचिए कि लॉकडाउन है, हम कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें, हमारे पास तो कोई गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं, क्या करें, बहुत सारा काम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन हालात से निकलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और साथ साथ स्टडी करते हैं। लड़ना है आपको, एग्ज़ाम ज़रूर देना है, क्योंकि अगर आपको अपने ड्रीम्स चेज करने हैं, ड्रीम्स आपके सपने हैं जिनको पूरा करना है, तो आपको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। ये शुरुआत है। यहाँ पे ज़रूर नहीं कि आप क्रैक करने वाले हो, कोई बात नहीं, क्रैक नहीं होगा, लेकिन हम सीखेंगे ना हम कहाँ पर हैं। और इसमें यह भी मैटर नहीं करने वाला आपने 9th class में कितना स्कोर किया। भाई 43% वाला है वो IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, 50% वाले क्रैक करते हैं, आपके उनसे बेटर आए होंगे। एक बार हो जाए दो दो हाथ NTSC के साथ भी, आप प्रूव कर दीजिए कि आप क्या कर सकते हो। आप 9th में चूक गए होंगे, आपने 8th में चूक गए होंगे, आप क्लास के टॉपर नहीं रहे होंगे, कोई बात नहीं, इस बार प्रूव कीजिए ना। आप ऐसे प्रूव कीजिए कि आपका एग्जाम्पल सेट हो, आपके रिलेटिव को आपका एग्जाम्पल दिया जाए, आपके कॉलोनी में आपका एग्जाम्पल दिया जाए कि उस बच्चे से पूछो, उस बच्चे से सीखो, ये कर सकते हो। ये करने के लिए क्या चाहिए, आपको सिर्फ टाइम चाहिए, और वो टाइम आपके पास है। अगर आप एक्सक्यूज नहीं करते हो कि नहीं मेरे पास ये टाइम नहीं है, आपके पास बहुत सारा टाइम है। आप अगर 300 घंटे 300 hours भी देते हो तो काफ़ी रहेंगे NTSC को क्रैक करने के लिए। ये 300 घंटे देने आपको, और वो कुछ अलग से नहीं देना, आपने 9th में जो पढ़ा है लगभग 45% वही रहने वाला है,
45% के आसपास आपका रहने वाला है जो आप 10th में पढ़ने वाले हो, 10% के आसपास जो 6th, 7th, 8th का जो बेसिक कंसेप्ट है वो रहने वाले, कुछ अलग नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप कह सको कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, आउट ऑफ द सिलेबस था, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। एक स्टूडेंट है गुंचा शाहजहाँ, जो मेरी स्टूडेंट रहे हैं, उनका घर में काफ़ी सारे, हर किसी के घर के साथ ऐसा होता है कि शाम को इवनिंग में 7 से लगभग 10-11 बजे तक खाना बनाना है, घर में जो काम के बाद आते हैं अपने ब्रदर हैं या फिर पेरेंट्स हैं, काम के बाद आते हैं तो बातें होती है, तो स्टडी का माहौल नहीं बन पाता। उसने शेड्यूल सेट किया कि वो 7 बजे सो जाती है, 11:30-12 बजे उठती है, उसके बाद वो पूरी रात पढ़ती है। एक्सक्यूज़ नहीं दिया उसने कि मेरे घर में उस वक्त इतनी डिस्टर्बेंसेज होती है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। एक और स्टूडेंट है शाहीन, शाहीन से मैंने पूछा कि आपको नींद नहीं आती जब आप पढ़ते हो, क्योंकि वो पूरी रात को पढ़ती है, नाइट राइटर है वो। तो उसने बताया कि सर जब मुझे नींद आती है तो मैं अपने पापा के बारे में सोचती हूँ, अपने अब्बू के बारे में सोचती हूँ जो मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं, जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे फिर पूरी रात नींद नहीं आती, मैं पढ़ती जाती हूँ। आप भी अपना कुछ ऐसा ही सोचिए, जब भी आपको लगे कि आप कमज़ोर पढ़ रहे हो, जब भी आपको लगे कि ये सब्जेक्ट आपको मुश्किल लग रहा है, जब भी आपको लगे कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना, वो इतनी जो मेहनत करते हैं ना वो इसलिए करें क्योंकि आप उनके लिए कुछ करने वाले हो। आप कुछ करके दिखाइए, अपने पेरेंट्स के लिए करके दिखाइए, अपने लिए ना सही तो लग जाइए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक सेकंड भी नहीं करना है। आपने जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था उसके बाद शायद बहुत सारे बच्चों ने अभी तक स्टडी को हाथ ही नहीं लगाया होगा, NTSE के बारे में सुन लिया, बस हो गया, फॉर्म निकलेंगे अप्लाई कर देंगे, कल पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, 1 जून से पढ़ेंगे, 1 मई से पढ़ेंगे, ये कल कल करते करते हम एग्जाम तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इस बार ठान लीजिए कि हमें करना है, कुछ करना है, क्रैक करने की बात नहीं है, करना है, ये आपकी नींव बनेगी, आप बहुत आगे जाने वाले हो अगर आपने सीरियसली 300 आवर्स, 300 घंटे अगर इस NTSE के लिए दे दिए तो। चलिए हम NTSE की बात करते हैं, NTSE क्या है। NTSE एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, ओके। इसको कंडक्ट करवाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT है, वो कंडक्ट करवाता है, पूरे देश का है, यानी कि पूरे देश के जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं इस वक्त, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हो, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, वो सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ओके। ये कब होता है, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वंस इन अ ईयर, यानी कि एक बार होता है। और कैसे होता है अप्लीकेशन, इसके आप अप्लाई करते हो ऑनलाइन। यहाँ पर अप्लाई में दो चीज़ें आती है कि अप्लाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन था कि सर अप्लाई हमें खुद करना है या फिर स्कूल से किया जाएगा। जनरली गवर्नमेंट स्कूल की बात की जाए तो वहाँ पर आमतौर पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और कुछ बच्चे जो टॉपर्स होते हैं उनका अप्लाई करवा देते हैं स्कूल से, टीचर्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि सबका अप्लाई करवाना पॉसिबल नहीं जब कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है क्लासरूम में, तो 2 या 4 बच्चों का अप्लाई कर पाते हैं, आप इंडिविजुअली भी इसको अप्लाई कर सकते हो, किसी भी साइबर कैफे पे जाइए और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको साइन चाहिए, उसको स्कूल में लेके आना है, और वहाँ पर प्रिंसिपल सर या मैम है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, वो उसको अटेस्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपने टीचर को दे दोगे तो वो सबमिट करवा दिया जाएगा, ओके। उसके मोड ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो ये ऑफलाइन होता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। अगर आप किसी अदर स्टूडेंट के, अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट हो, जैसे कि आप आसाम के हो या उड़ीसा के हो, तो आपका एग्जाम की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की जो स्टेट लैंग्वेज है, उसमें भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा, यानी कि उड़िया में है, असमीज में है, तमिल है, या फिर तेलुगु है, कन्नड़ है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ओके। अदरवाइज अगर हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात की जाए तो ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल होता है, तो आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो ये 4 घंटे का होता है, 2 आवर्स का मैट एग्जाम होता है, ओके, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, और 2 आवर्स का होगा सेट एग्जाम, जो स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट होगा, ओके। तो इसकी हम बात करेंगे डिटेल में कि मैट में क्या होने वाला है और सेट में क्या रहने वाला है। तो ये मोटे तौर पे बात हुई कि NTSE है क्या। उसके बाद अगर हम NTSE के बारे में बात की जाए कि NTSE के बेनिफिट्स क्या हैं, सबसे पहले मैंने इसी को लिया ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे। यहाँ पर जो बेनिफिट्स आपको दिख रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जो दिख रहे हैं सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं।
एनटीएससी क्रैक करने के बाद आपको 11th और 12th क्लास में 1250 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे, 1250 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलेंगे, यानी कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख पाओगे। एक तरीके से आप फाइनेंशियली तौर पर अपने पेरेंट्स को हेल्प करोगे। ओके, दूसरा ये कि यूजी और पीजी की बात करें, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन या फिर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है आप अपनी डिग्री के दौरान, तो आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। हो सकता है कि जब तक आप ग्रेजुएशन में जाओ तो ये अमाउंट और बढ़ जाएगा। ओके, और पीएचडी करोगे तो आपको 3000 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। ये तो वो बेनिफिट्स हैं जो आपको दिखेंगे, लेकिन ये सोचिए कि जिस बच्चे ने एनटीएससी को क्रैक कर लिया वो बच्चा रुकने वाला नहीं है, वो जो कुछ भी चाहेगा वो कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कंसेप्ट सारे क्लियर होंगे तभी आप कर पाओगे कंसेप्ट। दूसरे ये होगा कि आपको इतना बड़ा बूस्टर मिलने वाला है कि आप रुकोगे नहीं, रॉकेट बन जाओगे आप। तीसरा कि आप अगर एनटीएससी को क्रैक कर लेते हो, जो जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जितने भी बड़े स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की भी बात की जाए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप उनका नाम रोशन करने वाले हो। आगे जो बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे ना, उनको पता है कि उसमें एक फ़ोटो आपकी रहने वाली है। तो वो बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी बार प्रॉब्लम ये आती है कि हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम अगर कोचिंग लेते हैं मेडिकल लाइन में या नॉन मेडिकल की, या फिर हम CACS की तैयारी करते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पे 1.5-2.5 लाख रुपए तक लगते हैं हॉस्टल वगैरह के अलग से, तो वहाँ पर हम पे नहीं कर पाते। लेकिन जो NTSC क्रैक कर जाते हैं उन बच्चों को ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो स्कॉलरशिप देते हैं और उनको ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है उनको कोचिंग अवेलेबल करवाते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा बूस्टर होगा, बड़ी एक कह सकते हैं हेल्प होगी कि आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पेरेंट्स की इतनी अच्छी नहीं है तो भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें सपने देखे हैं हमने और हमें एक्चुअली में कुछ करना है, उन सपनों के लिए कोशिश करना है। कोशिश कब करेंगे? जब हम आगे तैयारी करेंगे 11th 12th क्लास में, हमें अच्छे से जो फैकल्टी मिलेगी तो मिलने के लिए ज़रूरी है कि हम NTSC को क्रैक करें। ओके, तो ये हुआ कि NTSC क्या है और NTSC के बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि NTSC के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। NTSC के लिए अगर हम बात करें NCERT के नोटिफिकेशन की, तो कोई भी स्टूडेंट जो 10th क्लास में है, ओके, वेदर इट इज इन द गवर्नमेंट स्कूल और इन द प्राइवेट स्कूल, वो एलिजिबल है। हालांकि कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है, क्योंकि जो स्टेज वन होगा, लेवल वन का जो एग्ज़ाम होगा वो कौन कंडक्ट करवाएगा? SCERT, यानी कि जो स्टेट है वो कंडक्ट करवाता है। तो उसमें कई बार कुछ स्टेट में ये होता है कि 9th क्लास में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। ऐसा होता है कुछ स्टेट्स में, हालांकि NCERT की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है। कुछ स्टेट्स में यह है कि आप 10th क्लास में हो, दैट्स इनफ, बहुत है। कुछ स्टेट्स में यह है कि आपका 9th क्लास में 60% होने चाहिए या 55% होने चाहिए अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, तो ये कंडीशन होती है, लेकिन सब स्टेट्स में ये नहीं है। इसके अलावा डोमिसाइल की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि आप कहीं से भी हो और किसी भी जगह पर, मान लीजिए कि आप बिहार से हो, आप राजस्थान से हो, आप दिल्ली में स्टडी कर रहे हो, तो आप वहीं से इसको अप्लाई कर सकते हो। उसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप स्टेज वन का एग्ज़ाम कहाँ से दे रहे हो। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो ओपन स्कूल्स की बात करें या डिस्टेंस लर्निंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी NTSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, उनकी एज है वो 18 ईयर से कम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए कि जो ओपन स्टूडेंट्स हैं उनके तो 9th के हो सकता है, उन्होंने एग्जाम ही ना दिया हो, तो उनमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, वो भी NTSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी की बात हुई, यानी कि अगर आप 10th क्लास में हो और आपके 9th क्लास में 60% जनरल कैटेगरी में और रिजर्व्ड कैटेगरी में 55% मार्क्स है, आपकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो आप ये NTSC का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसको अप्लाई स्कूल की तरफ से किया जाएगा कुछ स्टूडेंट्स का, या फिर आप इंडिविजुअली इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक ये बात आ गई कि कहाँ कौन से स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल इसके लिए रहेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें, बुक्स की बात आती है। तो बुक्स सबसे बेस्ट जो वे है कि आप NCERT ही कीजिए। NCERT अगर आप 9th 10th की NCERT कर लेते हो सभी सब्जेक्ट्स की, तो ये मोर देन इनफ रहेगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो NCERT में से ना हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है जो मैट का एग्ज़ाम होता है उसको लेकर के। तो अगर हम सेट के एग्ज़ाम की बात करें, तो सेट एग्ज़ाम में हमारी सोशल साइंस SST रहने वाली है, साइंस रहने वाला है, मैथमेटिक्स रहने वाला है, वो सारा का सारा NCERT से ही कवरअप हो जाएगा, आपको अलग से बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके साथ साथ हमें क्या करना है, 10 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उनको देखना है। हालांकि बहुत कम चांस होते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट हो। लास्ट अगर आप 3 ईयर्स के देखोगे तो इस बार वो रिपीट नहीं होते, जैसे बाकी एग्जाम्स में ऐसा क्या होता है कि वो रिपीट हो जाते हैं कुछ, इसमें रिपीट कम होते हैं क्वेश्चंस। लेकिन फिर भी हम लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है, आप एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हो इजिली, मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप इजिली ले सकते हो। उनको अगर एक बार देखोगे तो आपको लगेगा, सबसे पहले इन्हीं को ही देखना, आप जब एक क्वेश्चन पेपर को देखोगे आपको लगेगा कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, क्या हम कर सकते हैं, तो वो कर सकते हो आप, क्वेश्चन पेपर को चेक कीजिएगा। ओके, उसके बाद बात आती है कि मैट की तैयारी कहाँ से करें, तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अ कंप्लीट स्टडी पैकेज है, सेट और मैट दोनों का होता है। इसमें आपको ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएंगे, सेट का आपका सिलेबस भी मिल जाएगा टॉपिक वाइज। इतना डेप्थ नहीं है, तैयारी करनी है, क्रैक करना है तो एनसीईआरटी से ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हम थोड़ा सा मटेरियल मिल जाएगा, मैट का पूरा मटेरियल मिलेगा, मैट के जितने भी क्वेश्चंस आने तो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप वो ले सकते हो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वो। ओके, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फॉर एनटीएससी क्लास 10th बाय टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, तो वो आप ले सकते हो, जिसमें प्रैक्टिस टेस्ट पेपर दिए गए, उससे भी आपको तैयारी में हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर ये बुक्स हैं, एनसीईआरटी आपके पास ऑलरेडी होगी, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उनका प्रिंट आउट आप कहीं से निकलवा सकते हो, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, एडिशनल लेना चाहो तो आप ये बुक लोगे जो कि टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की तरफ से आती है, कहीं पर भी मिल जाएगी, अगर आपको आसपास अवेलेबल ना हो तो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो इनको। तो यहाँ तक बात हुई कि बुक्स हम कौन सी लें और कौन सी से हमें स्टडी करनी है, इसके अलावा एडिशनल आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद एग्जाम लेवल की बात आती है, एग्जाम लेवल की बात करें तो यहाँ पे 2 लेवल रहेंगे आपके, स्टेज 1 होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग का मतलब यह है कि अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कहीं पर भी नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके मार्क्स हैं उतने ही रहेंगे। ओके, आपने 100 क्वेश्चन किए उसमें से 90 राइट हैं, 10 आपके रॉन्ग है तो आपको 90 मिलने वाले। स्टेज 2 का जो एग्जाम होगा, यानी कि आपको स्टेज 1 को क्लियर करना है, ये हर स्टेट का अलग अलग होगा। ओके, तो हर स्टेट में से कुछ बच्चे क्वालिफाई करेंगे और वो स्टेज 2 में जाएंगे जो कि नेशनल लेवल का है, तो जो स्टेज 2 में जाएंगे तो वहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन किए हैं 5 क्वेश्चन, 5 में से आपके 2 क्वेश्चन है वो राइट हैं, 3 क्वेश्चन है रॉन्ग, तो 3 क्वेश्चन का 1 मार्क्स यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, आपका मार्क्स बन जाएंगे 1। ओके, तो हमारा जो सेकेंड लेवल होता है, लेवल तो वो कंपेरेटली ईजी या फिर उसी लेवल का होता है, मुश्किल नहीं होता, लेकिन वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, हमें ये देखना है कि क्या ये श्योर है कि ये क्वेश्चन हमारा राइट होने वाला है, या हमें ज़्यादा चांसेस लगे कि राइट होने वाला है तभी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो ये रहेंगे आपके स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 है जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसको करवाता है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी है वो कंडक्ट करवाता है, सेकेंड जो लेवल होता है उसका। स्टेज 1 के बाद कुछ स्टेट्स में स्कॉलरशिप भी दी जाती है, यानी कि कुछ स्टेट्स में ऐसा भी है कि स्टेज 1 के एग्जाम को अगर क्रैक कर लेते हो आप, स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर गए, और स्टेज 2 का अगर एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाते तो भी कोई बात नहीं, आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। जबकि जो स्टेज 2 का एग्जाम है वो आप क्रैक करोगे तभी आपको एनटीएससी की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। ओके, अब बात आती है कि एनटीएससी का एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, इसमें क्या होता है, तो एनटीएससी के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे स्टेज 1 और स्टेज 2 में 2 पार्ट्स होते हैं, आप यानी कि आपके 2 एग्जाम होंगे, सेट का होगा और दूसरा होगा मैट का एग्जाम। इसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 100 मैट के एग्जाम में रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके सेट के एग्जाम में। जो सेट का एग्जाम है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड जो टेस्ट है आपका, उसमें आपके 40 मार्क्स का साइंस रहेगा, साइंस के 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन रहेंगे 40 में से 37 के आसपास वो क्वेश्चन आपके 9th और 10th के ही सिलेबस में से रहेंगे, 3 क्वेश्चंस आपके बेसिक रह सकते हैं 6th, 7th, 8th में से। ओके, उसके बाद 20 मार्क्स का आपका मैथ्स रहेगा और आपका सोशल साइंस SST रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। आमतौर पे ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं साइंस के ऊपर, वो फोकस करते हैं मैथ्स के ऊपर, वो फोकस करते हैं रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी, जो मेंटल एप्टीट्यूड जो टेस्ट है उसके ऊपर, और सोशल साइंस को छोड़ देते हैं, वहीं पे वो मार्क हार जाते हैं। आपको सोशल साइंस है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि स्कोरिंग यहाँ पे आप 40 में से 40 ले सकते हो। मान लीजिए आपने साइंस में आपने लिया 35 के आसपास या 30 ले लिया,
यहाँ पे आपने 40 ले लिया, यहाँ पर आपका मैथ्स अगर वीक भी है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे वो इसलिए नहीं देते कि नहीं जी हमारा तो मैथ्स अच्छा नहीं तो हमसे कहाँ क्रैक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैथ्स में मान लीजिए आप 0 भी लेके आते हो, यहाँ पे आप 35 ले सकते हो, यहाँ पे आप मान लीजिए 35 लेते हो, 70 हो गए, यहाँ पे अगर आप 80 मार्क्स ले लेते हो, आपके चांसेस हैं आप क्रैक कर जाओगे NTSE को। यानी कि ये मोटे तौर पे जो लास्ट ईयर्स के हम ट्रेंड्स को देखें, कट ऑफ्स को देखें, तो इतना सा ही करना है। तो मैथ्स अगर आपका वीक है तो नीड नॉट टू वरी, डरने की बात नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये रहेगा हमारा सेट में, और मैट में हमारे रहेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ये कि यहाँ पे कैलकुलेशन जरूर रहेगी लेकिन वो मैथ्स नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मैट में मैथ्स है, मैथ्स नहीं है। जिनका बेसिक मैथ्स भी ठीक सा है या मैथ्स भी ठीक नहीं है, वो भी रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा, सेट 100 मार्क्स, मैट 100 मार्क्स, और जो सेट रहेगा उसमें साइंस, मैथ्स और हमें सोशल साइंस करनी है, और हमें दो दो घंटे मिलेंगे, और ये सेम डे ही आपका एग्जाम होने वाला है। एक ब्रेक मिलेगा आपको छोटा सा, उसके बाद सेकंड एग्जाम होगा। अब बात करें NTSE की इंपॉर्टेंट डेट्स की, कि ये कब अप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, कब हम अप्लाई करेंगे, कब फर्स्ट लेवल का यानी कि स्टेज वन का एग्जाम होगा, कब स्टेज टू का एग्जाम होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर के आसपास नॉर्मल सिचुएशन में अप्लीकेशन निकलती है, आप अप्लाई कर सकते हो, और नियर अबाउट 1 मंथ के आसपास का टाइम दिया जाता है। ओके, तो सितंबर के आसपास आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ अप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुके हैं, या फिर आप NCERT की वेबसाइट के ऊपर जा कर के भी चेक कर सकते हो, और न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी इसके बारे में दिया जाता है। ओके, उसके बाद एडमिट कार्ड जो आपको मिलते हैं वो नवंबर के लास्ट वीक तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाते हैं, और जनरली दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, जनरली की बात की है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड जैसी सिचुएशन के कारण ये जेन में हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो नॉर्मल शेड्यूल होता है वो दिसंबर का होता है, दिसंबर में स्टेज वन का एग्जाम होता है, और मार्च के आसपास रिजल्ट आता है स्टेज वन का। इस बार की बात की जाए तो कुछ स्टेट्स में रिजल्ट भी डिले चल रहा है, दिल्ली में अभी तक रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं हुआ स्टेज वन का, स्टेज टू इसका मतलब और डिले होने वाला है ड्यू टू द कोविड 19 की जो सिचुएशन है उसके कारण। ओके, उसके बाद स्टेज टू का एक जो एग्जाम होता है वो जनरली होता है मई और जून में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको दिसंबर तक पढ़ना है, उसके बाद अपने बोर्ड्स के एग्जाम दीजिए, और उसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, यानी कि स्टेज टू में आप पूरे जोर शोर के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये रहेगा इम्पोर्टेंट डेट्स कि हमें कब चेक कर सकते हैं और किस टाइप का शेड्यूल रहने वाला है। उसके बाद हम बात आती है कि इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद स्ट्रेटजी की बात करेंगे, या अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अप्लाई अगर करेंगे हम स्टेज वन के लिए तो आम तौर पे स्कूल से ही अप्लाई करवाया जाता है, ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा होता है, लेकिन जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो ऐसा नहीं होता कि सभी स्टूडेंट्स हैं उनके अप्लाई करवा दिए जाएंगे, तो आप इंडिविजुअली ही भी अप्लाई कर सकते हो। जो NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल होगा, आप SCERT की वेबसाइट पर जा करके अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं चाहिए, आपके आधार कार्ड, आपकी स्कूल की जो डिटेल्स वगैरह है या आपका एक फ़ोटोग्राफ है वो सब कुछ चाहिए। फ़ी की बात की जाए तो फ़ी जो स्टेज टू है उसके लिए कोई फ़ी नहीं होती, कोई अलग से अप्लाई करना नहीं होता। स्टेज वन की बात की जाए तो ज़्यादातर स्टेट्स में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ स्टेट्स में हो सकता है कि 50 या 100 रुपीज़ हो, जनरली ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आपको साइबर कैफे पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई करोगे, प्रिंट आउट लेने के बाद आप स्कूल में लेके जाओगे, और प्रिंसिपल सर या मैम जो आपके स्कूल में वो अटेस्ट करेंगे और वो अपने पास रख लेंगे, वो अपने आप सबमिट करवा देंगे, या फिर आपको अगर सबमिट करवाना होगा तो बता दिया जाएगा कि कहाँ पर नियरेस्ट कौन सा स्टेशन है, सेंटर है जहाँ पर आप सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की बात की जाए कि एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना हो तो हम क्या करें, क्या किया जा सकता है। एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, एग्ज़ाम इजी नहीं है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, सारे बच्चे प्रिपरेशन करें, जो टॉप स्टूडेंट्स है वो भी प्रिपरेशन करें, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 45% जो स्टूडेंट्स लेकर के आया, हालांकि कुछ स्टेट्स में तो कंडीशन ऐसी है कि 60 से नीचे वाला अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जनरली अगर ऐसा हो तो वो भी क्रैक कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आती है कि हम गलती जो करते हैं, NTSE को सीरियसली लेके नहीं चलते, जब रोल नंबर आते हैं या फिर जब अप्लाई करते हैं उसके बाद हम फोकस करते हैं कि अच्छा NTSE देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आप समर ब्रेक से इसकी शुरुआत कीजिए, यानी कि नया सेशन शुरुआत होता है उसके साथ ही आप 1 घंटा देना शुरू कर दीजिए। आपके जो टोटल टॉपिक्स हैं वो 100 के आसपास हैं, 100 टॉपिक्स हैं,
एक घंटा अगर डेली दे रहे हो, एक घंटे में एक टॉपिक आप कवर कर रहे हो, तीन बार उन टॉपिक्स को कर लोगे बहुत अच्छे से। तो पहला ये कि हमें शुरुआत है वो बहुत जल्दी करनी है ताकि हम इजीली उन कंसेप्ट को ठीक से पढ़ पाएँ, ठीक से समझ पाएँ। दूसरा ये कि इसे हमें टाइम टेबल के साथ एज ए मिशन लेके चलेंगे तो होने वाला है। ऐसा नहीं कि हमने अप्लाई कर दिया और बस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे लेवल का कंपटीशन होने वाला है तो उसमें टाइम टेबल हमें सेट करना है। आप जैसे हमने टाइम टेबल में बात की थी, जो 10th क्लास का टाइम टेबल शेयर किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मॉर्निंग का जो 1 आवर है पावर सेशन का, वो 1 घंटा में NTSE को देना है। अभी से अगर देना शुरू करेंगे तो 250 से 300 घंटे हम निकाल सकते हैं, वो बहुत रहेंगे। तो हमें डेली 1 घंटा कम से कम, 1 आवर, या आप थोड़ा ज़्यादा भी देना चाहो तो वो आपको NTSC को देना है। ये टाइम वेस्टेज नहीं है। कई स्टूडेंट्स को लग रहा है बोर्ड्स पे कैसे फोकस करेंगे, भाई जो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो वही पढ़ने वाले हो जो आपके 10th क्लास बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 9th के कुछ चैप्टर्स करोगे तो वो भी वही हैं जो आपको आगे आने वाले क्लास 10th है, क्लास 11th 12th है, उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो वो हमारा स्टडी का ही पार्ट है, हम कुछ अलग नहीं करने वाले। बोर्ड की प्रिपरेशन हमारी उन सब के साथ चल रही है। NTSC मतलब बोर्ड्स की प्रिपरेशन है, NTSC का मतलब ये नहीं कि हम कुछ अलग पढ़ेंगे। ओके, तीसरी चीज़ जो हमें करनी है कि हमें प्रैक्टिस NCERT से ही करनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बुक्स ले आए जो NTSC की मार्केट में अवेलेबल थी और हम उसी पे लगे रहें, ऐसा नहीं करना है। NTSC की जो बुक्स है वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, मैट के लिए हेल्पफुल हो सकती है, काफ़ी सारे हमें एक साथ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, लेकिन NCERT को हमें ज़रूर करना है। जो NCERT है उस पर हमें फोकस रखना है। आप पेंसिल लेके बैठिए, अंडरलाइन करते रहिए, आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हो, 1 मार्क्स के क्वेश्चन वो निकाल लीजिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। पहली बार आपको हो सकता है 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे, जो पर चैप्टर है 1 घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन सेकंड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपको वो चैप्टर जो 2 घंटे में हुआ वो आपका आधा घंटे में हो जाएगा। ओके, तो NCERT है, NCERT मतलब NCERT होनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स ले आए, हमें लगे कि ये सब कुछ सेम रहने वाला है तो ऐसा नहीं करना है। तीसरा कि मैट जो है वहाँ पर प्रैक्टिस है वो की रहेगी। मैट में जो क्वेश्चंस आप देखोगे तो बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी मतलब जैसे रिलेशन से रिलेटेड हो गए, जैसे कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो गए, जो सीक्रेट कोड होते हैं उससे रिलेटेड हो गए, तो ऐसे इजी होते हैं, हम देखेंगे हमें लगेगा इजी, लेकिन हमें उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर टाइम भी मैटर करता है। हम क्वेश्चन तो सोल्व कर लेंगे, एक क्वेश्चन हमें ईजी सा दे दिया गया कि ए के जो लेफ्ट साइड में है बी बैठा है, बी के राइट साइड में डी बैठा है, तो डी के जो थर्ड है डी से राइट साइड में वो कौन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन के ऊपर आप 10 मिनट्स लगा दोगे, कहाँ से कर पाओगे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, आपको सेपरेट बुक चाहिए मैट की, बहुत सारी बुक मिलेगी, वैसे आप कोई भी लेके आ सकते हो जो आपको लगे कि कम कॉस्टली है वो लेके आइए, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर हमने कर ली इट मीन्स हम टाइम पीरियड को रिड्यूस कर पाएंगे। उसके बाद हमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है सोल्ड आपको मिल जाए द बेस्ट है, उनको कीजिए पहले, सोल्ड होने चाहिए। जिनकी NCERT की वेबसाइट या फिर गूगल बाबा से पूछिए, आपको सारे सोल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे लास्ट 10 ईयर्स के, उनको आप चेक कीजिए, कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको आइडिया भी लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अनसोल्ड भी आपको जो बुक लेके आओगे एडिशनल तो उसमें आप ले सकते हो, जैसे हमने ऊपर डिस्कस की थी कि रेफरेंस के लिए आप मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन है उसकी बुक लेके आ सकते हो, आर्यंत पब्लिकेशन की बुक्स है वो ले सके आ सकते हो, तो उनके साथ आप कीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ अपने माइंड में रखिए कि जो NTSC है उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। NTSC है उसमें कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पता है कि किस टाइप के बन सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन वो होते हैं जो आप 30 सेकेंड्स में सोल्व कर पाओ, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मैथमेटिक्स में भी आएंगे, अगर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन भी हैं तो वही रहेंगे जो 30 सेकेंड्स में आप सोल्व कर पाओ, उनको आंसर दे पाओ। तो वो क्वेश्चन कौन से होते हैं जो कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, चाहे आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ओके, तो ये माइंड में कई बार होता है कि नहीं हमने तो कोचिंग ही नहीं ली, या इस बार हम कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स से वो कोचिंग जा रहे हैं तो उनका होगा हमारा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटजी की बात आई कि हम कैसे NTSC के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो लास्ट हमने एपिसोड की बात की थी तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर अप कर लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस रह गए। पहला जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स आर अवॉर्डेड एवरी ईयर,
कि अगर हर साल बात की जाए तो कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो ये एनटीएससी की 2000 बच्चों को, 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। ओके, उसके बाद दूसरा है कि शुड वी अप्लाई थ्रू स्कूल और डायरेक्टली, क्या हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या स्कूल से अप्लाई करें। तो यहाँ पर आप अप्लीकेशन है वो डायरेक्टली अगर अप्लाई करना चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि इट मस्ट बी ड्यूली अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल, से ये अटेस्टेड होनी चाहिए। ओके, अटेस्ट करने के बाद, आपने अटेस्ट करवाई और उसके बाद आप क्लास टीचर से बात करोगे, वो आपको बताएंगे कि आप स्कूल में सबमिट करवाओगे तो स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स के साथ इसको सबमिट करवा दिया जाएगा जहाँ पर करवाना है, जो सेंटर बना हुआ है। अदरवाइज आप इंडिविजुअली जाकर के सबमिट करवा सकते हो। तो इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई करना चाहो डायरेक्टली तो आप कर सकते हो। उसके बाद है कि व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मीडियम क्या रहेगा। तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उसके बाद एक और जो आपका क्वेश्चन है जो आपके मोटिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कट ऑफ क्या रही है प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए, तो यहाँ पे मैंने 2018 और 19 की कट ऑफ्स लिए जो स्टेज टू की है, फाइनल कट ऑफ्स। तो ये जो दी गई 2018 की है, 18 में जो एसटी कैटेगरी थी वहाँ पर 113 की कट ऑफ रही थी, 113, यानी कि 113 जिसने स्कोर किया उसको स्कॉलरशिप मिली है। और अगर बात की जाए एससी कैटेगरी की तो 122 कट ऑफ रही थी, जबकि जनरल कैटेगरी में ये जो कट ऑफ रही थी वो 150 रही थी। यानी आप अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 150 अगर स्कोर करते हो उस ईयर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। 150, मान लीजिए आपका मैथ्स जीरो है, 170 क्वेश्चन रह गए, 170 में से 150 आपको स्कोर करना है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जीरो किसी का भी नहीं होता। तो आप प्लानिंग के साथ जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए तो आप कर सकते हो। उसके बाद 2019 की बात की जाए तो 2019 में एससी की जो कट ऑफ थी एसटी की वो सेम रही थी, 113 थी, 113 थी, जबकि एससी की बहुत डाउन आ गई थी, 105 रही थी, और जनरल की भी नीचे रही थी, 134 रही थी। 134 जिसने स्कोर किया उसका क्रैक हो गया था। तो इस बार भी ऐसा कुछ होने वाला है कि ये 134-135 के आसपास भी रह सकती है, क्योंकि इस बार भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ओपन नहीं है और घर पे सेल्फ स्टडी से एग्जामिनेशन देने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम के ऊपर फोकस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ठीक से उनकी क्लासेस भी नहीं लग पा रही है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप टारगेट लेके चलिए। टारगेट हमारा होना चाहिए कि 150 से नीचे ना रहें हम, चाहे किसी भी कैटेगरी से। तो कोशिश करनी है कि हम इस बार फोड़ दें एग्ज़ाम को। तो ये हुआ हमारे आपके जो क्वेश्चंस थे उनसे रिलेटेड आपके आंसर्स, जो आपके डाउट्स थे। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई दे दूँ तुरंत ही। चलिए अब बात आती है सिलेबस की। फाइनली हमने सब कुछ जान लिया एनटीएससी के बारे में। सिलेबस की बात की जाए तो कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले, ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार आप देखोगे तो उससे बेटर है कि एक जगह पे नोट कर लिया जाए, या फिर एक बार आप सुन लीजिए उसके बाद आप दोबारा से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपके जो टॉपिक रहेंगे, क्लास टेंथ का एक चैप्टर है एग्रीकल्चर, जिसमें आपका एट्थ में भी ये आ चुका है लेकिन ये कंप्लीट चैप्टर है, इसको आप कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रहने वाले, 2 या 3 क्वेश्चन। इसके अलावा बायोस्फीयर जो चैप्टर है आपका ये रहेगा, जैनिज्म बुद्धिज्म एंड कंकर्स फ्रॉम डिस्टेंट, ये आपका 6th-7th का चैप्टर है सोशल साइंस का, हिस्ट्री का ये आपका रहेगा। कल्चर साइंस एंड लिटरेचर ये भी आपके 6th-7th के चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं वो रहेंगे, 8th में भी है ये। मेजर डोमेन्स एंड लैंड फॉर्म्स की बात की जाए तो ये चैप्टर आपका रिपीट होता है, 6th में भी है, और ये आपका जो चैप्टर 7th में भी है और 9th क्लास में भी दिया गया। ओके, इसके अलावा डाइवर्सिटी एंड लाइवलीहुड 6th-7th-8th के टॉपिक्स हैं। मिडवल आर्किटेक्चर एंड कल्चर ये भी आपका 8th क्लास का टॉपिक है। अर्ली स्टेट्स 6th क्लास का टॉपिक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये आपका 9th क्लास का टॉपिक है। नेशनलिज्म इन वेरियस कंट्रीज ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है, जो आपका 1st चैप्टर है। ओके, तो ये जो चैप्टर्स जो ऊपर टॉपिक हमने डिस्कस किए मोस्टली आपके 6th-7th-8th के भी हैं, कॉमन से टॉपिक है, आपको सिर्फ इनको देखना है। बाकी जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे ये आपके 9th के लेवल के आ जाएंगे, 9th या 10th क्लास के। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा 9th क्लास का चैप्टर है। ओके, उसके बाद बात की जाए नेशनलिज्म इन वेरियस कंट्रीज, तो ये इसमें आपका 1st चैप्टर भी आ गया नेशनलिज्म इन यूरोप, और आपका 3rd चैप्टर जो रिवाइज्ड बुक में 2nd बना हुआ है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों चैप्टर हो जाएंगे भारत में राष्ट्रवाद। ओके, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका टॉपिक है
वो भी इसमें जो चैप्टर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहाँ पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो वो हमारे अच्छे से करना है। ये 8th क्लास में भी है, तो दोनों बुक से आप NCERT से देख लोगे, लगभग सा कंटेंट सेम है। उसके बाद न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स की बात की जाए तो ये आपका 6th क्लास का चैप्टर है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये 8th क्लास में भी है, और जो आपका 10th क्लास का 3rd चैप्टर है वो भी यही है। पॉपुलर मूवमेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए, ये आपका 8th क्लास का जो टॉपिक दिया गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें ये आपका 8th क्लास का टॉपिक है। उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड रॉक्स की बात करें तो ये आपका 7th क्लास का जियोग्राफी का टॉपिक दिया गया। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये आपके 10th क्लास में, दिल्ली सल्तनत, द मौर्यास ये आपके 8th क्लास के टॉपिक आ जाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके वो बेसिक से टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको वैसे ही मज़ा आने वाला है क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक्स के बारे में पता है। और ये जो 6th, 7th, 8th के टॉपिक्स दिए गए ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत लेंथी हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत आ जाएगा 8th क्लास का ये हमारा टॉपिक, और हिस्ट्री में हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन एंड सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा। यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज है, ये रहेगा यूएनओ के बारे में, कहीं से भी हम पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी से आप कर लीजिए जो 8th क्लास से हम करेंगे। वैदिक पीरियड आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें रहेगी, एटमोसफेयर रहेगा, लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट आपका रहेगा जो कि हम 10th क्लास में भी पढ़ रहे हैं और उससे पहले आप 6th, 7th, 8th में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैप्स एंड ग्लोब्स आपका 6th क्लास का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। मोशंस ऑफ द अर्थ ये भी आपका 6th क्लास का चैप्टर है। ब्रिटिश राज ये आपका 8th क्लास का चैप्टर है। नेचुरल वेजिटेशन ये 9th में। आ कंट्री इंडिया ये आपका इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ कंट्री इंडिया जो 6th में भी दिया गया और 9th क्लास का 1st चैप्टर भी सेम है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन ये आपका 9th क्लास का आ जाएगा। अर्ली मिडवल पीरियड ये आपका 8th में आ जाएगा। पॉपुलेशन 9th का लास्ट जो आपका चैप्टर है जो आपने नहीं किया पहले जो नहीं किया वो हम आगे करने वाले हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है, हिंदी मीडियम के, तो उनको ये सिलेबस आपको हिंदी मीडियम में टेलीग्राम के चैनल के ऊपर दे दिया जाएगा। उसके बाद बात की जाए 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन ये आपका 8th क्लास का चैप्टर रहेगा। सोलर सिस्टम ये आपका चैप्टर 6th क्लास में दिया गया। जुडिशरी 8th का है। मुगल एम्पायर 8th में है। यूनियन गवर्नमेंट ये 8th क्लास में। वाटर रिसोर्सेज ये हमारा 10th क्लास का है जिसको हम करने वाले हैं। इंडिया नेबर्स ये जो चैप्टर है ये आपका 6th में भी कवर होगा, ये आपका 9th क्लास का 1st चैप्टर उसमें भी कवर होगा। इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपके चैप्टर्स रहेंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमिक्स 9th और 10th की हमें पूरी करनी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आपका 6th क्लास का। तो ये जो ज़्यादातर जो टॉपिक हमने देखे कि जो रिपीट हुए हैं उसके बेस पर, तो 6th, 7th, 8th के बहुत सारे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रहेंगे। 9th क्लास के मोस्टली टॉपिक्स हैं जो इसमें कवर हो रहे हैं। तो इनके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको विद इन 1 मंथ अवेलेबल करवा दिए जाएंगे उसी फॉर्मेट में। जो 9th क्लास या 10th क्लास की बात की जाए तो हम चैप्टर को विद नोट्स डिटेल में डिस्कस करें, तो आप उनके साथ साथ उन पॉइंट्स को नोट करते जाइए, वही आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके लिए करना है कि आप एक क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसको देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ जो हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या 9th क्लास में वो पढ़ रहे हैं वही टॉपिक्स हम करें जो आपके NTSC और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारा सोशल साइंस का सिलेबस हो गया। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये सिलेबस अवेलेबल होगा, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर दे दिया जाएगा। ओके, वैसे भी आप यहाँ से नोट कर सकते हो, इतना बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि ये टॉपिक्स ही है जो हम हिंदी में भी समझ सकते हैं। उसके बाद बात की जाए जनरल नॉलेज की। हालांकि जनरल नॉलेज का ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता, लेकिन कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ओके, कई बार ऐसा होता कि 2 और 3 क्वेश्चंस हैं वो GK के दे दिए जाते हैं और वो गेम चेंजर हो जाते हैं, उतने ही मार्क्स से हम कई बार आगे या पीछे रह जाते हैं। उसमें एब्रीविएशंस जितनी भी होती है शॉर्ट फॉर्म्स वो आप कर लीजिए, नेट से निकाल लीजिए, या आप जो बुक लोगे तो उसमें अलग से भी दी जाएगी। ओके, बुक्स एंड ऑथर्स जो करेंट्स या फिर फेमस बुक्स रही हैं उनके ऑथर के नाम है वो आप कर लीजिए। अवार्ड्स आपको करने कौन कौन से इंडिया में दिए जाते हैं। इंडिया से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मोटे तौर पे जो 200 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं GK के वो आप कर लीजिए। वर्ल्ड के भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कंटिनेंट्स हो गए, ओशंस हो गए, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हो गए, तो वो क्वेश्चंस आप कर लोगे। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस स्पेशली जो ट्रॉफी है या जो भी इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है या स्पोर्ट्स पर्सन जो फेमस है उनसे रिलेटेड,
तो वो क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि ये एक तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि जब हमें चूकना नहीं है। अगर ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो जनरल लेवल पे दिए जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी के लेवल को ऊपर बढ़ाने के लिए, तो वो भी हमें साथ ही साथ प्रिपेयर करने हैं। ओके, उसके बाद बात की जाए मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की, तो ये काफ़ी कम रहेंगे। 20 मार्क्स का हमारा मैथमेटिक्स रहेगा। यहाँ पर आपका जो रहेंगे टॉपिक्स, इसमें रहेगा अर्थमेटिक, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, अर्थमेटिक आपका प्रोग्रेशन, बेसिक ज्योमेट्री, सर्कल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगा, प्लेइंग विद नंबर्स रहेगा, क्वाड्रिक इक्वेशंस रहेगा, रेशनल नंबर्स रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो या तो 9th के या 10th के हैं, या फिर वो बेसिक कंसेप्ट है। ओके, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस यहाँ पर दिया गया, एक्सपोनेंट यहाँ पर दिया गया, इसके साथ साथ आपका रहेगा लाइनियर इक्वेशन, मेंचुरेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एंड यहाँ पर दिया गया स्केयर एंड क्यूब रूट्स, स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर रहेगा, ट्राइंगल्स रहेगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री रहेगा। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नया नहीं है। यहाँ 95% वो टॉपिक आपके 9th और 10th क्लास के हैं, और इसमें से 60% तो 10th क्लास के ही दिए गए। ओके, प्रिपरेशन कीजिए, NTSE अपने आप हो जाएगी। उसके बाद साइंस की बात की जाए, साइंस में क्या रहने वाला है, तो साइंस के जो चैप्टर्स रहेंगे ये भी आपके वही 9th और 10th के रहेंगे। इसमें एसिड्स, बेसिस एंड द सॉल्ट, ये आपका रहेगा फर्स्ट। एयर, जनरल कॉमन टॉपिक आपका, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रहेगा, हेडिटी एंड एवोल्यूशन जो आपके आपका 10th क्लास का, अभी आपने नहीं किया होगा, आप करने वाले हो। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपका रहेगा, जो कि आपका 10th क्लास का है। सेलुलर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ये टॉपिक आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, उसके बारे में थोड़ा सा आप इससे, इस टॉपिक से रिलेटेड आप 10th क्लास में करने वाले हो। ह्यूमन बॉडी आप 10th क्लास में करोगे, 9th में भी हम इसके बारे में कर चुके हैं। लाइफ प्रोसेसेस, लाइट 10th का टॉपिक है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये हम जनरल सेंस में भी करते आ रहे हैं, तो ये भी आपका 9th-10th का टॉपिक है, वो कवर होगा। उसके बाद आपका रहेगा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क, ये आपका 10th क्लास का बेसिक टॉपिक है। फाइबर एंड प्लास्टिक्स करने वाले हैं, जो कि आप कर चुके हो 8th क्लास में। मेजरमेंट, सॉयल, जो कि आप जियो में, सोशल साइंस में भी करने वाले हो, यहाँ पर साइंस में भी आपका ये टॉपिक बनता है। सम कॉमन डिजीज, ये आप कर चुके हो क्लास 9th में। साउंड, साउंड ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 9th क्लास का टॉपिक हो गया। एनवायरमेंट, ये आपका 10th क्लास का टॉपिक रहेगा, बेसिक टॉपिक है। मोशन एंड फोर्स, ये आप 9th में कर चुके हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेटल नॉन मेटल्स, ये आपके बेसिक से टॉपिक है, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए साइंस की, तो यहाँ पर है आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी और सेम NTSE के लिए भी। उसके अलावा आपको यहाँ पर पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन की बात की जाए, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूनिवर्स, वाटर, वर्क एंड एनर्जी, तो ये सब कुछ आपके टॉपिक्स रहेंगे। इसमें से आपके 95% टॉपिक 9th में पढ़ चुके हो और 10th में पढ़ने वाले वही टॉपिक्स हैं। 6th, 7th, 8th का यहाँ पर भी नहीं है, जैसे कि मैथ्स में नहीं था। अब बात आती है आपके मैट एग्जाम की, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो उसमें रहेगा अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर टेस्ट। अल्फ़ाबेट्स और नंबर टेस्ट आपको यहाँ पर तो कुछ लग रहा होगा पता नहीं क्या है, लेकिन जब आप वहाँ पर बुक में चेक करोगे तो आपको बड़ा मज़ेदार सा लगेगा कि इसमें अल्फ़ाबेट्स या नंबर से कुछ कोड है, कुछ जनरेट किए जाते हैं, हमें उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है, बहुत मज़ेदार। वैसे आपका मैट जो है मज़ा आएगा आपको, जैसे आप मोबाइल्स में गेम्स खेलते हो ना, तो ये सारा वो गेम्स ही है, आपको सॉल्व करना है, टाइमर लगा करके सॉल्व करना, मज़ा आने वाला है। इसके अलावा इसमें रहेगा आपका एनालॉगी, नॉन वर्बल और वर्बल रहेगा। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कैलेंडर, टाइम और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्लासिफिकेशन रहेगा, आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें से कौन सा ओड है या कौन से ओल इवन है, ये फाइंड आउट करने। कोडिंग, डिकोडिंग रहेगी, मिसिंग करेक्टर रहेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेंगे। मैथमेटिकल नाम सिर्फ दिया गया, मैथ्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जीरो है यहाँ पर। पेपर फोल्डिंग और कटिंग रहेगा, उसमें हमें जैसे कई बार एंगल कितने, ट्राइंगल कितने, तो वो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। रैंकिंग और अरेंजमेंट्स का रहेगा, जैसे कि एक बच्चा 8th पे नंबर पे है, पीछे से वो 11th पे है, तो बताइए कितने, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी वाले रहने वाले हैं। इसके अलावा सीरीज रहेगी वर्बल और सीरीज रहेगी आपकी नॉन वर्बल। तो ये आपके टॉपिक्स यहाँ पर रहेंगे कि इसमें मेंटल जो मैट का है,
मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें रहने वाले, रीजनिंग जिसे हम कह सकते हैं। इसके लिए आपके क्यूब और डाई से रिलेटेड रहेंगे, डायरेक्शन सेंस के रहेंगे कि एक एक्स वाई जेड है वो नॉर्थ में चलता है 10 मिनट्स, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ टर्न लेता है 15 मिनट्स, उसके बाद वो साउथ की तरफ डायरेक्शन लेता है और वहाँ पर टर्न लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है 10 मिनट्स, तो आपको बताना वो कहाँ पर है। तो इस टाइप के जो रहेंगे आपके डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड, तो 2 या 3 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड रहने वाले हैं। इसी तरीके से एम्बेडेड फिगर, फिगर पार्टीशन एंड डॉट, और वेन डायग्राम्स रहेंगे, वाटर एंड मिरर इमेजेस रहेंगी, और वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। इसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, इट मीन्स अगर आप 70 का टारगेट लेके चलते हो, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 80 तक ले लिया तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 70 से नीचे तो बिल्कुल नहीं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। ये जो है 90 प्लस सिक्योरिटी गारंटी ये देगा, लेकिन प्रैक्टिस हमें करनी है। प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमने NTSE की बहुत सारी बातें की है कि NTSE क्या है। फिर भी आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। इसके अलावा आपको हिंदी मीडियम में अगर ये सिलेबस चाहिए, या फिर आपको कोई इसी प्रकार की जो कह सकते हैं कि हेल्प बुक है या ऐसा कुछ है, तो हम कोशिश करेंगे PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा दें। तो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।